हिंदुओं में ऐसी परंपरा है कि लोग अपने अपने धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके मृत शरीर को दफनाते या जलाते हैं। लेकिन दुनिया में एक जनजाति ऐसी भी है जो अपने पूर्वजों के मरने के बाद उनके शव को घर में सजा कर रखते हैं। क्या आपको पता है कि न्यू गिनी में स्थित पापुआ के पहाड़ों के पीछे दानी नामक एक जनजाति रहती है। यह जनजाति अपने पूर्वजों के शरीर को घर में सजा कर रखने के लिए जानी जाती है। पहाड़ों में छिपकर रहने वाली इस जनजाति के लोग अपने बड़े बूढ़ों घरवालों की मौत के बाद उनके शरीर को घर में ही रख देते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें पूर्वजों के शव के साथ कई दिनों तक बैठे रहना पड़ता है। पहले मृत शरीर को ममी बनाने के लिए शव पर धुआं लगाया जाता है। धुआं शरीर पर तब तक लगाया जाता है जब तक शरीर ममी में ना बदल जाए। ऐसा करने से लाश को कई सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पश्चिमी पापुआ के वामिना में स्थित इस गांव को पहली बार साल 1938 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट रिचर्ड ऑकबेल्ड ने खोजा था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।